डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा का बहुत ही तबीयत खराब है डॉक्टर साहब, देख लीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ। अरे आपका तो बच्चा बहुत सीरियस है सिस्टर। हाँ सर, बोलिए। इसको जल्दी में भर्ती करो। ठीक है सर। सुनिए, पैसा जमा कीजिए। कितना करें सिस्टर? अरे जो तुम्हारे पास पैसा है उतना जमा करो। सिस्टर हमारे पास मात्र 10,000 रुपया है सिस्टर। ठीक है, जमा करो। सुनो, आपका बच्चा डेट कर गया। क्या क्या है बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हमारे बेटा के दिखा दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमारे बेटा के दिखा दीजिए डॉक्टर साहब। सुनो, पहले काउंटर पे जाकर 2 लाख रुपया जमा करो, उसके बाद अपने बेटा का डेड बॉडी ले जाओ, समझा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अब हम कहाँ से पैसा दें डॉक्टर साहब? अब हम कहाँ से पैसा दें डॉक्टर साहब? जो भी कुछ भी था वो तो हम दे दिए डॉक्टर साहब, अब हमारा पास 1 रुपया भी नहीं है डॉक्टर साहब। हमर बाबू के लाश दे दा डॉक्टर साहब, दे दे डॉक्टर साहब, गोड़ पड़ाइयो डॉक्टर साहब, हम तो हाथ पड़ाइयो डॉक्टर साहब, दे दे हमर बाबू के लाश। अरे जा यहाँ से, जब तक 2 लाख रुपया नहीं दोगे तुम्हारा बेटा का डेड बॉडी नहीं मिलेगा। एक गार्ड सुनो। हाँ सर। यहाँ से सबको भगाओ। अरे चलो भागो यहाँ से, चलो हटो, चलो निकलो, निकलो। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, हमारे बेटा के लाश दे दीजिए डॉक्टर साहब, हमारे बेटा के लाश दे दीजिए डॉक्टर साहब। अरे भाग यहाँ से, चल भागो। दे तो चंदा का काका की, दे तो हमर भाई, बानी हम गरीब रुपया, कहमा से लाई। दे दे भीख चाचा चाची, दे दे हमर भाई, बानी हम गरीब रुपया, कहवा से लाई। लाश के पैसा मांगत बा डॉक्टर कसाई हो, लाश के पैसा मांगत बा डॉक्टर कसाई। चाचा भैया हमरे के भीख दे दी, दीदी चाचा ए चाची हमरे बेटा खातिर कुछ रुपया दे दा, हमर बेटा के लाश ले आकर कुछ रुपया दे दा चाची, दे दा। भैया भैया कुछ भीख दे दा भैया। सुनली की डाकटरा होला भगवान हो, डॉक्टर के रूप में बड़ शैतान हो। देखो चाचा सुनली की डॉक्टर होला भगवान हो, डॉक्टर के रूप में बड़ शैतान हो। पहले रुपया दे पहले रुपया देबो ना तो देवे
ले भगाई, लाश के पैसा मांगत बा डॉक्टर कसाई हो, लाश के पैसा मांगत बा डॉक्टर कसाई। चाचा चाची कुछ मदद कर दो, चाची कुछ मदद कर दो। मिल के देत बाड़े निको से दवाई, गरीब बन के देत बाड़े वही में मुआई। मिल के देत बाड़े निक से दवाई, गरीबन के देत बाड़े वही में मुआई। राजकुमार मिथलस रावे अंजलि मिथलस चौहान रोवे जेब में नहीं खे पाई, लाश के पैसा मांगत बा डॉक्टर कसाई हो, लाश के पैसा मांगत बा डॉक्टर कसाई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये रहे रुपया डॉक्टर साहब, अब हमारे बेटा के लाश दे दीजिए डॉक्टर साहब, दे दीजिए। अरे इसमें तभी 50,000 रुपया कम है, पूरा जमा करो, समझा? नहीं डॉक्टर साहब, अब मेरे पास 1 रुपया नहीं है डॉक्टर साहब, मैं भीख मांग कर लाया हूँ डॉक्टर साहब, भीख मांग कर लाया हूँ डॉक्टर साहब, हमारे बेटा के लाश दे दीजिए डॉक्टर साहब, दे दीजिए। अरे जाओ यहाँ से, जब तक 2 लाख रुपया नहीं दोगे तुम्हारा बेटा का डेड बॉडी नहीं मिलेगा। एक गार्ड सुनो, हाँ सर, यहाँ से सबको भगाओ। अरे चलो भागो यहाँ से, चलो हटो, चलो निकलो निकलो। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, हमारे बेटा के लाश दे दीजिए डॉक्टर साहब, हमारे बेटा के लाश दे दीजिए डॉक्टर साहब। विधायक जी, हमने गरीब के मदद करिए विधायक जी, मदद कीजिए विधायक जी, मदद कीजिए। अरे भाई क्या हुआ, अब लोग क्यों रो रहे हैं? विधायक जी हमने गरीब के मदद करिए, नहीं तो हम अपना जान दे देंगे विधायक जी। अरे भाई आखिर हुआ क्या? मिले इंसाफ नहीं, बबुआ साफ नहीं, बबुआ के लाश चाही, बोनल बार डॉक्टर खलनायक जी। रौरे कुछ करिए विधायक जी, रौरे कुछ करिए विधायक जी। अच्छा तो ये बात है। हाँ विधायक जी, हमार बेटा के लाश दिला दीजिए विधायक जी, दिला दीजिए। अच्छा तो ये बताइए कि आपका बेटा किस हॉस्पिटल में है? विधायक जी ये लीजिए पुर्जा, इसी हॉस्पिटल में मेरा बेटा भर्ती है, इसी हॉस्पिटल में। अच्छा ठीक है ठीक है, हम देखते हैं। घाटा नहीं रोज के बा, खाली नहीं खे आज
मोटा नहीं रोज के बा खाली नहीं खयाज के मुआला पमाप होखे पैसा इलाज के नियमा लगाई दी सब के बताई दी बानी मसीहा हम नीलायक जी रौवे कुछ करी ये विधायक जी अच्छा ठीक है आप चिंता मत करिए आपका बेटा का लाश मिलेगा और हम दिलाएंगे हाँ विधायक जी रौरे कुछ कर हमारे बेटा के लाश दिला दा दिला दा विधायक दिला दा रौरे से बंद सबके हो माना मान जीवन भर याद रावूर रही में हर बानी रौर से बंद सबके होई मानवानी जीवन भर याद रावूर रही में हर बानी काली समैया डॉक्टर पर करी कर भैया लोकी यानी मने या बेजाय के जी रौरे कुछ करी विधायक जी रौरे कुछ करी विधायक जी अच्छा तो ये बताइए कि आपके बच्चे का डेड बॉडी देने के लिए डॉक्टर ने कितने रुपये का डिमांड किया है विधायक जी डॉक्टर ने 2,00,000 रुपये का डिमांड किया जिसमें हम भीख मांग जाकर 1.5 लाख का हम प्रबंध कर लिए हैं लेकिन 50,000 रुपया नहीं होने के कारण हमारे बेटा के लाश नहीं दे रहा है विधायक जी नहीं दे रहा है। अच्छा तो सुनिए जैसा हम कह रहे हैं वैसा आप कीजिए ये लीजिए पैसा और जाइए अपने बच्चे का लाश लेकर के मेरे पास आइए ठीक है उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है ठीक है विधायक जी जो कहते वो हम करने की तैयारी ठीक है जाइए और जल्दी आइए ठीक है विधायक जी सिस्टर हम पैसा का व्यवस्था कर लिए जल्दी से डॉक्टर सबके बुलाइए ना बैठिए डॉक्टर सबके बुलाइए तो बैठिए बैठिए डॉक्टर साहब आपका जो शेष पैसा था उसका व्यवस्था मैंने कर लिया मेरा बेटा का लाश दे दीजिए डॉक्टर साहब दे दीजिए अच्छा तो पूरा पैसा का व्यवस्था हो गया हाँ डॉक्टर साहब ये लीजिए पैसा ठीक है hey, सुनिए हाँ सर इसका डेड बॉडी निकाल के दे दीजिए ठीक है सर सिस्टर हाँ सर ये लीजिए उसका डेड बॉडी सर्टिफिकेट उसको दे दीजिए ठीक है सर Oh, my God.
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा का तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं बोल रहा है। डॉक्टर साहब देख लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, देखते हैं। इसको ऊपर रखो। अरे आपका बच्चा तो बहुत सीरियस है, इसको जल्दी से भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जितना रुपया लगेगा उतना हम देने के लिए तैयार हैं। बाकी हमारे बेटा के बचा लीजिए। डॉक्टर साहब बचा लीजिए। ओह लगता है कि पैसा वाला है। अच्छा अच्छा ठीक है, चिंता मत कीजिए। अभी हम इसको भर्ती ले लेते हैं, लेकिन इसमें खर्च बहुत ज्यादा पड़ेगा और हो सकता है इसको ऑपरेशन भी करना पड़ जाए। डॉक्टर साहब कुछ भी करना पड़े हम तैयार हैं। ठीक है, हम जाँच करके बताते हैं। सुनिए, आपके बच्चे को ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम तैयार हैं, जल्दी में ऑपरेशन कीजिए। ठीक है, सुनिए काउंटर पे जाके 2,00,000 रुपये जमा कर दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, हम कर देते हैं, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है, हम ऑनलाइन कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ऑनलाइन ही कर दीजिए। सिस्टर। हाँ सर। ये लीजिए पूजा, और जल्दी से दवा मंगाइए। ठीक है सर। सुनिए, ये लीजिए पुर्जा, और जल्दी में दावा लेके आइए। ठीक है सिस्टर। सुनिए। हाँ सर। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बच्चे को मैंने बचाने का बहुत कोशिश किया, पर बचा नहीं पाया। सॉरी, आपका बच्चा डेड कर चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए। सुनिए, अब कुछ नहीं हो सकता है। काउंटर पे जाके 3,00,000 रुपये और जमा कर दीजिए, और अपना बच्चे का डेड बॉडी लेकर के जाइए। सिस्टर। हाँ सर। इसका पूरा पैसा जमा करवा लो और इसका बच्चे का डेड बॉडी दे दो। ठीक है सर। ए सुनिए। हाँ बोलिए। पूरा पैसा जमा कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन ही करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन ही कर दीजिए। सिस्टर। हाँ सर। ये दे दीजिए उसका डेड बॉडी सर्टिफिकेट। ठीक है सर। वाह रे डॉक्टर, लोग तो कहते थे कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन लेकिन विधायक जी ये डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के नाम पर राक्षस है, राक्षस। मुर्दा के इलाज करे, मुर्दा के इलाज
कर दे के जिंदा के नमा हो डॉक्टर के रूप में बैठल डॉक्टर के रूप में बैठल पापिया रवनवा हो डॉक्टर के रूप में बैठल पापिया रवनवा हो डॉक्टर के रूप में बैठल बन के इंसान करे बन के इंसान कर का साई बाला कमा हो बन के इंसान कर का साई बाला कमा हो डॉक्टर के रूप में बैठल डॉक्टर के रूप में बैठल पापिया रवनवा हो डॉक्टर के रूप में बैठल के रूप में बैठल अरे डॉक्टर हम नहीं जानते थे कि तुम पैसे के खातिर इतना गिर जाओगे ये करा दरोगा जी चढ़ा दी फांसी दरोगा बाबू एकरा के फांसी दे दी फांसी एकरा दरोगा जी चढ़ा दी फांसी लोग मन के खून पीसा माज के नासी गरीबन के पैसा लूट के गरीबन के पैसा लूट के बनब ले बा मकनमा हो डॉक्टर के रूप में बैठल डॉक्टर के रूप में बैठल पापिया रवनवा हो डॉक्टर के रूप में बैठल पापिया रवनवा हो डॉक्टर के रूप में बैठल अरे डॉक्टर ना जाने तूने इलाज के नाम पर कितना गरीब इंसानों को तूने लूटा होगा रे तुम्हें शर्म नहीं आता तुम एक डॉक्टर के नाम पर कलंक हो कलंक करिए विधायक जी हो से पीटल ये कर सील हो डॉक्टर के मिल हो विधायक जी ये डॉक्टर नहीं हैवान है हैवान करी ये विधायक जी हो से पीटल ये कर सील हो काला करना मगोइल डॉक्टर के मिल हो पिंटू विद्यार्थी कहे पिंटू विद्यार्थी कहे मिथल चौहानवा हो डॉक्टर के रूप में बैठल डॉक्टर के रूप में बैठल पापिया रवनवा हो डॉक्टर के रूप में बैठल पापिया रवनवा हो डॉक्टर के रूप में बैठल विधायक जी क्या आपसे एक बात करनी है क्या बात करनी है इधर आइए ना हाँ बोलो सुनिए ना विधायक जी थोड़ा सा इधर आइए ना हाँ हाँ बोलिए ना क्या बात है विधायक जी हाँ हम आपको 20 लाख रुपए दे देते हैं अच्छा हमारा हॉस्पिटल को सील मत करवाइए विधायक जी मुझे बचा लीजिए विधायक जी बचा लीजिए अच्छा तो तुम हमको खरीदने चला है डॉक्टर साहब आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जनता का एक प्रतिनिधि हूँ और जनता ने मुझे एक विश्वास और उम्मीद के साथ जिताया है तुम क्या चाहता है मैं उसका विश्वास तोड़ दूँ हम सब बहुत बड़े भूल हो गए विधायक जी ऐसा मत करिए विधायक जी हम आपके आगे हाथ जोड़ते विधायक जी हम आपके पैर पड़ते विधायक जी मुझे माफ कर दिए विधायक जी माफी
अरे माफी मांगनी है तो इस इंसान से मांग जिसके परिवार को तूने लूटा है। माफी मांगनी है तो इस इंसान से मांग जिसके घर को तूने लूटा है। अरे डॉक्टर, न जाने कितने मासूम लोगों को तूने लूटा होगा। अरे डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के नाम पर कलंक हो, कलंक। दरोगा साहब, इस डॉक्टर को अरेस्ट कीजिए और इसके हॉस्पिटल को तुरंत सील कीजिए।